हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम जब वाईफाई के बनवाते हैं तो क्या क्या हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज मैं इस वीडियो में आपको सभी ऐसी बातें बताऊंगा कि ऐसी क्या बातें हैं जो कि हम वाईफाई लगवाने समय हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, उससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी टैग राहुल। अच्छा, थोड़ा देखने को मिलता है जनरल कंटेंट, जितने भी मैं थोड़ा नजर आता कि किस तरह हम वाईफाई लगवाएं, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी लेवल का आपको वीडियो देखने को मिलती है इस चैनल पर। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सी कंपनी का जो कि है वाईफाई लगवाएं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो कि आप जो से भी इलाके में आप रहते हो उस इलाके में सर्च करें कि हमारे इलाके में कौन सी कंपनी का सबसे बेहतर हमें जो कि प्लान मिल रहा है वाईफाई का, और कौन सी कंपनी का हम वाईफाई लगवाएं। अगर आपको कोई भी कंपनी का प्लान आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी कंपनी का प्लान अगर आपको वो गूगल पर सर्च करना नहीं आ रहा है तो आप अपने इलाके भरना, और सबसे पहले भरना है नेट वाले को, फिर नेट प्लस, ऐसे ऐसे करके आप सभी गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इनके जो कि प्लान मंथली प्लान का आपको फर्क पता चल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी का हमारे पास वाईफाई लगवाए। उससे बाद आपको प्रॉब्लम आती है कि हम वाईफाई हमारे घर में कौन सी ऐसी जगह पर लगावाए जो कि हमारे घर पूरे घर में जो कि वाईफाई का सिग्नल आए, और जहाँ पर भी हम बैठे हो हमको वाईफाई वो मिल सके। हाँ जी, उसके लिए आपने क्या करना, आपने सबसे पहले आपने जो कि घर पर वाईफाई लगवाना है उसके घर में सेंटर देखना है, सेंटर एरिया। आप सेंटर एरिया पर देखोगे तो आप अपने घर के जो कि है सेंटर एरिया में ही वाईफाई लगवाना, और आपके जैसे आप सेंटर एरिया में ही बॉक्स लगवाओगे वाईफाई का तो आपके पूरे घर में ही रेंज आएगी। और ये आप कैसे लगवा सकते हैं, आप अपने गूगल पर जैसे ही सर्च करोगे कि आप कौन सी कंपनी का आपने वाईफाई लगवाना है तो आपको पूरे कॉन्टैक्ट नंबर उनका मिल जाएगा, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करके आपके एरिया में प्रोवाइड कर देंगे वो आपको जो सा भी आपने वाईफाई लगवाना है। अगर आप वो एक गांव के एरिया में रह रहे हो तो उधर आपको सर्च करना पड़ेगा कि हमारे गांव के एरिया में कौन सा वाईफाई लग सकता है। उधर आप सर्च नहीं कर सकते क्योंकि आपके इलाके में, क्योंकि गांव वगैरह में इतने वाईफाई के नहीं होते, आपके इलाके में इतना वाईफाई के कॉम्पिटिशन नहीं होते, इसलिए आपको जो सा वाईफाई होगा वही आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप शहर के एरिया में रह रहे हो तो आपके पास ऑप्शन मिल जाती है कि आप कौन सी कंपनी का जो कि आप वाईफाई लगवा सकते हो। हाँ जी, जैसे कि आपने वाईफाई लगवा लिया, अभी आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं आई, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप कस्टमर केयर पर कॉल करके आपने प्रॉब्लम बताओगे तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसी टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ऐसे ही हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है, तो अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर दबाना, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए सबसे पहले। चलो तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। चलो।